इस वक्त की बड़ी खबर, कांकेर का फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास सस्पेंड कर दिया गया है। जलाशय से पानी खाली कराने का ये मामला आईप्स 24 की खबर के बाद सीएम ने एक्शन लिया है। फोन निकालने के लिए पूरा जलाशय उसने खाली करा दिया था। लगातार 3 दिन तक पंप से पानी निकाला गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांकेर का फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास सस्पेंड कर दिया गया है। जलाशय से पानी खाली कराने के मामले में कार्रवाई की गई है। अमित चौबे हमारे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, आईप्स 24 की खबर का असर हुआ है, क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, मुख्यमंत्री ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और तत्काल प्रभाव से राजीव विश्वास, जो कि पखांजूर में फूड ऑफिसर के पद पर थे, उनको निलंबित किया गया है। और कलेक्टर कांकेर ने भी इनके खिलाफ नोटिस जारी किया था, कारण बताओ नोटिस इनको जारी किया गया था। एक टीम बनाई गई थी जिसमें एसडीएम भी को भी एसडीएम जिसमें टीम को लीड कर रहे थे और पूरे मामले की जांच कांग्रेस खुद गंभीर तक ले रहे थे। सुबह उन्होंने आईबीसी 24 से बात करते हुए बताया भी था कि इस मामले पे हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने इस भूपेश बघेल जी ने इसको देखते हुए तत्काल प्रभाव इसको निलंबित किया है। हालांकि जो भी इन्होंने कदम उठाया था उसमें इन्होंने कोई भी चीज का ध्यान नहीं रखा है, क्योंकि किसानों के हिसाब से पानी की घर एकत्रित किया जाता था, लोगों की निस्तारी के काम आता था। इसको सिर्फ एक मोबाइल को खोजने के लिए उन्होंने पंप लगाकर पूरा जो खाली किया 3 दिनों तक, इसको लेकर काफी मामला गरमाया हुआ था। और इसको देखते हुए आज जो है मुख्यमंत्री ठीक है कार्रवाई। अमित, आपको यहाँ पर रोकेंगे, फिलहाल मुख्यमंत्री ने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। फूड इंस्पेक्टर के संबंध में जानकारी आई, आपका जो व्यक्तित्व है आप इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करते, क्या कहेंगे? उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो कार्रवाई की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कही है। सौरभ परिहार इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ लाइव रायपुर से जुड़े। सौरभ, बहुत चर्चित यह मामला है, एक अधिकारी जिसका मोबाइल फोन, मेगा मोबाइल फोन एक जलाशय में गिरा, उसने पूरा जलाशय खाली करा दिया और अब कार्रवाई हुई है, क्या कहा है मुख्यमंत्री ने, किस तरह की कार्रवाई हुई? बिल्कुल, देखिए राहुल, सबसे पहले आज आईबीसी 24 ने ही इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाई थी और सबसे बड़ा कारण है पानी का, जहां पर 21 लाख लीटर पानी जो है महज 1.5 लाख रुपए के मोबाइल के लिए बहा दिया जाता है और ये काफी गंभीर मामला था। और आपको मालूम होगा कि जो है इस विषय पर जो है कांकेर की कलेक्टर प्रियंका शुक्ला भी जो है जब आईबीसी 24 से जानकारी दी थी तो अब उन्होंने कहा था कि इस मामले की हम जांच करा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी कुछ देर पहले दिल्ली रवाना हुए हैं और उससे पहले उन्होंने जानकारी दी है कि उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, जिस अधिकारी ने पानी खाली कराने का जो निर्देश दिया था उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से इस मामले पर जो है कोई और बात आगे ना बढ़े, विपक्ष को कोई और मौका ना मिले इससे पहले कि राज्य सरकार ने कार्रवाई कर दी है। और निश्चित रूप से काफी गंभीर मामला है कि किस तरीके से 21 लाख लीटर पानी बहा दिया जाता है और खासकर वो पानी जिस का उपयोग जो है किसान कर रहा है अभी वर्तमान में बहुत सारी जो फसल है उसमें। तो मैं आपसे 2 मिनट बस लेना चाहूंगा राहुल, इसमें सबसे पहले तो यही है कि जो राजेश विश्वास है जो खाद्य निरीक्षक है पखांजूर के, उनको जो है निलंबित कर दिया गया है और वर्तमान में जो उनको जिला कार्यालय जो खाद्य विभाग है वहां पर रखा जाएगा। इसी तरीके से जो अधिकारी है अनुविभागीय अधिकारी आरसी धीवर, उनको भी नोटिस जारी किया गया है कि आखिर आप किन कारणों से जो है इनको पानी खाली कराने का जो निर्देश दिया गया था, आदेश आपकी ओर से दिया गया था, इस पे कहा गया कि 24 घंटे के भीतर आपको ये जानकारी देनी है। तो समझा जा सकता है कि जो फूड इंस्पेक्टर हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई हुई है और जो आरसी धीवर है उनको 24 घंटे के भीतर ये रिपोर्ट मांगी गई है, उनसे कारण बताओ नोटिस दिया गया है। तो संभव है कि आरसी धीवर पर भी कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से इस तरीके के कई कारनामे जो है आए दिनों जो है देखने को मिलते हैं कि अधिकारी जो अपनी मनमानी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक गंभीर मामला है और निश्चित रूप से एक कार्रवाई यह बता रहा है कि किस तरीके से राज्य सरकार को जैसे ही जानकारी हुई है और खासकर आईबीसी 24 ने सबसे पहले दिखाया अपने दर्शकों को किस तरीके से पिछले 3 दिन से ये मोबाइल को ढूंढने के लिए जो है पानी बहाया जा रहा है, पानी को जो है पंप के जरिए बाहर निकाला जा रहा है और दिन रात कर्मचारी जो है 24 घंटे वहां पर बैठे हुए थे। और निश्चित रूप से चुनावी साल है, चुनावी मुद्दा जो है बनने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बड़ी कार्रवाई कर दी।
दी है राहुल। बिल्कुल सौरभ, आपने कहा कि चुनावी मुद्दा बनने के पहले एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सीएम ने कर दी है, जाहिर सी बात है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इसे लेकर एक ट्वीट किया था। तो क्या ये माना जाए सौरभ कि इस तरह की कार्रवाई, ये इस कार्रवाई के बाद अब जो विपक्ष है उसको बोलने का मौका नहीं मिलेगा? बिल्कुल, देखिए जैसे ही जानकारी आई और आईबीसी 24 ने बहुत प्रमुखता के साथ इस खबर को लिया और कांकेर जिले के जो कलेक्टर हैं उनसे हमने फोन जी। चलिए सौरभ, तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले का पटाक्षेप करने की कोशिश यहाँ पर की है वर्तमान में प्रशासन ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से उस अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए, जाहिर सी बात है क्योंकि विपक्ष लगातार हमला कर सकता है, इसे लेकर कहीं इस बात का डर भी था क्योंकि चुनाव का वक्त नजदीक, ऐसे में विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल सकता था। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सौरभ। लेकिन IBC 24 की खबर का बड़ा असर यहाँ पर हुआ है, जलाशय खाली कराने वाले अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है जिसने एक महंगा मोबाइल फोन गिर जाने के बाद जलाशय को खाली करा दिया था।